चलिए आज की क्लास में हम बेसिकली एक डेटाबेस में इमेज कैसे स्टोर होती है, एक इमेज कैसे स्टोर होगी और उसे हम किस तरीके से रिट्रीव करा सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो जब भी कभी हमें डेटाबेस में कोई भी डेटा डालना होता है उसके लिए हम लोग सेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सेटर का। और वहां से अगर हमें डेटा कभी फेच कराना हो तो उसके लिए हम लोग गेटर का यूज करते हैं। तो जब भी कभी इमेज की बात होगी तो वी यूज वन मेथड विच इज नोन एज द सेट बाइनरी स्ट्रीम। कौन सा मेथड होगा बेटा? सेट बाइनरी स्ट्रीम मेथड ऑफ द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। आपको इसका मैं सिंटेक्स बता देता हूं। पब्लिक वर्ड सेट बाइनरी स्ट्रीम, यहां पर तो हम कॉलम का इंडेक्स बताएंगे और ये वैल्यू लेगा। जब भी कभी हमें डेटा कहीं से पढ़ना होता है तो हम हमेशा इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। और यहाँ पे डेटाबेस से संबंधित कोई समस्या आ सकती है तो वो समस्या कौन सी होगी बेटा? एसक्यूएल एक्सेप्शन। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर ये ओवरलोडेड मेथड है। मेथड का नाम सेम है, सेट बाइनरी स्ट्रीम, बट ये इंडेक्स हो गई, इनपुट स्ट्रीम हो गई। और तीसरा हमारा क्या हो गया बेटा? लेंथ, यानी कि आप यहां पर इमेज का साइज भी बताते हैं। यहां पर आप क्या बताएंगे बेटा? इमेज का साइज भी बताएंगे। सो फॉर स्टोरिंग द इमेज इनटू द डेटाबेस, फॉर स्टोरिंग द इमेज इनटू द डेटाबेस, हम डेटाबेस में एक डेटा टाइप यूज करते हैं विच इज नोन एज द बीलॉग। बीलॉग की एक फुल फॉर्म होती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप इज यूज्ड इन द टेबल। बीलॉग नाम का एक डेटा टाइप होता है विच इज यूज इन द टेबल। सो सबसे पहले एक डेटाबेस में टेबल बनाना सीखते हैं और उसके अंदर दो कॉलम रखेंगे, नाम और दूसरे का नाम क्या होगा? फोटो। जैसे नेम है और उसका डेटा टाइप क्या है? वर्कर, वर्कर टू। और एक है हमारा फोटो और उसका डेटा टाइप क्या है? बीलॉग। इसे आप कॉपी करें, आई हैव कॉपीड इट। और आप ओरेकल ओपन करें, मैंने सिंपल एसक्यूएल लिखा, एसक्यूएल ऑटोमेटिकली रन एसक्यूएल कमांड लाइन का एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप इससे कनेक्ट हो, कनेक्ट सिस्टम स्लैश ओरेकल। ये बात मैं कभी ना कभी आपको बता चुका हूंगा। जो मैंने वहां से चीज कॉपी की है उसे यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। बिलीव मी एक टेबल बनकर आ गई होगी, बिलीव मी एक टेबल बनकर आ गई है और उस टेबल का नाम क्या? आईएमजी टेबल। और उसके अंदर दो कॉलम हो गए, नेम और दूसरा कौन सा है? फोटो। आप चाहो तो डिस्क्राइब करके देख सकते हैं, डिस्क्राइब आईएमजी टेबल, पुट सेमी कॉलन है। देखिए नाम और फोटो, दीज आर द डेटा टाइप्स। ये इसके क्या है? डेटा टाइप्स। अभी इसमें कोई डेटा थोड़ी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईएमजी टेबल और सेमी कॉलन लगा दिया। देखिए नो रोज सेलेक्टेड, अभी कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, राइट? सी इंसर्ट इमेज डॉट जावा, बहुत ही सरल सा डेमो आपको पढ़ाऊंगा। जावा डॉट एसक्यूएल, जावा डॉट आयो, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो जावा डॉट आयो में होंगी। क्लास बन गई, दिस इज द मेन। रिस्की काम हम कहां पर करते हैं बताइए? ट्राई ब्लॉग। अब ये सब कुछ कॉमन होगा। सबसे पहले ड्राइवर लोड कराया, फिर कनेक्शन एस्टाब्लिश किया। आप यहाँ पे वर्ड रैप कर लीजिए जिससे वो चीज रैप होकर आ जाए। आपकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, यूजर आईडी सिस्टम और पासवर्ड इज व्हाट? ओरेकल। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, राइट? मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा आईएमजी टेबल में और ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब वैल्यू हम रन टाइम पर लेंगे ना, तो हमने दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए।
यानी कि एक जगह पर क्या होगा नाम और दूसरी जगह पर क्या आ जाएगा फोटो, क्योंकि आपको अभी अभी ये बात बताई है कि देयर आर टू कॉलम्स, एक क्या है नाम है और दूसरा हमारा क्या है फोटो है। इंसर्ट करो डेटा कौन सी टेबल में, आईएमजी टेबल में, और यहां पर हम वैल्यूज ले लेंगे राइट। तो सबसे पहले ई ड्राइव में कोई करीना नाम की इमेज पड़ी होगी, अब ये है या नहीं है लेट मी चेक इट। हम ई ड्राइव में गए, के प्रेस किया, के, अब कोई इमेज नहीं है भाई। सो कोई इमेज ले लीजिए आप, जैसे पिक्चर्स में आ गया, कोई इमेज नेट से ले लेते हैं, करीना का जो के है वो मैंने कैपिटल कर दिया है, बिकॉज मैंने इस वाली चीज को वहां पर कैपिटल में रखा हुआ है। तो यानी कि जो करीना नाम की जो इमेज है उसका रेफरेंस हमारा कहाँ पर आ गया है, फिन में आ गया है। उसका जो रेफरेंस है वो कहाँ पर आ गया है, फिन में आ गया है। सो नंबर वन पर राज आ गया, और नंबर टू पर देखिए, पहले नंबर पर हमने क्या ले लिया राज, और नंबर टू पर हमारा क्या आ गया फिन, और ये इसका क्या हो गया बेटा साइज हो गया अवेलेबल करके राइट। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले एक टेबल आपको बनानी है, क्रिएट टेबल, आईएमजी टेबल, नाम ये हो गया फोटो, उसका डेटा टाइप क्या हो गया भैया बिलॉन्ग, उसका जो डेटा टाइप क्या हो गया है बिलॉन्ग। अब सबसे पहले उस इमेज, इस इमेज की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है भाई वहां पे। इसका रेफरेंस किस में आ गया फिन में। अब नंबर वन पर हमने क्या ले लिया राज, और नंबर टू पर देखिए, नंबर टू मतलब दूसरे नंबर का जो कॉलम है वहां पर फिन ले लिया। फिन में किसका रेफरेंस होगा बताइए, करीना का, और ये उसका क्या हो गया साइज हो गया, ये उसका क्या हो गया साइज हो गया। This is the assignment operator, right? This is the assignment operator. PS dot execute update. ये DML operation के लिए है। और I में उसकी हमारी क्या आ जाएगी? Value आ जाएगी। तो जब DML operation होता है तो वहां से क्या आएगा पता है? One. क्योंकि एक ही record को तो affect कर रहा है। So यहाँ पर एक message print हो जाएगा, one records what affected. और यहाँ पर आके connection को मैंने क्या करा दिया? Close करा दिया। अगर कोई भी समस्या आएगी, विच इज हैंडल्ड बाई वॉट कैच, इस पूरे प्रोग्राम में आप ईमानदारी से देखिए नया क्या है। यहां पर ड्राइवर लोड होना, कनेक्शन एस्टैब्लिश होना, उसके बाद ये फाइल इनपुट स्ट्रीम में इसका ये वेरिएबल बना लिया फिन इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम ई कोलन डबल स्लैश करीना डॉट जेपीजी। हम यहां पर आए नंबर वन पर राज, और नंबर टू पर
पूरे प्रोग्राम में सेट बाइनरी स्ट्रीम जरूर नया है, दूसरे नंबर के कॉलम पर उसका रेफरेंस दे दिया। इसे चला के दिखाना चाहता हूं आपको मैं एक बार। सेव एंश, वी आर इन ई ड्राइव, हम एडीवी ई में आ जाएं, इंसर्ट इमेज सेव करा दिया इसे। सीएमडी, वी आर इन ई ड्राइव, सीडी, हम डेमोज में आए, सीडी डॉट डॉट सॉरी सीडी एडीवी ई जावा सी और इंसर्ट इमेज डॉट जावा। यहां पर एक पाथ सेट कर लेना, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा जेडीके 11 बिन, और आपने इसे रन करा लिया, राइट। सी वन रिकॉर्ड्स अफेक्टेड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप यहां पर पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईएमजी टेबल कर रहे थे तो क्या रहता था, नो रो सेलेक्टेड, बट आप अभी चलाएंगे तो वो इमेज की बाइनरी फॉर्म आ रही होगी। वहां पर देखिए नाम क्या रहा, राज, और ये उसकी इमेज होगी। यहां पर करीना की इमेज हमने डाली हुई थी। तो इस पूरे प्रोग्राम में आप बस ये वाली बात समझ लें, बस सेट बाइनरी स्ट्रिंग, दूसरे नंबर के कॉलम पर हमने फिन रख दिया और फिन इस इमेज को क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है, और ये इसका साइज हो गया। अवेलेबल से ही तो हमें साइज पता लगेगा, अवेलेबल से ही तो हमें साइज पता लगेगा, दैट्स इट। और आई में क्या रहा होगा, वन रिकॉर्ड अफेक्टेड, वन रिकॉर्ड व्हाट अफेक्टेड। सो अपने आप में मेरी समझ में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम और पढ़ाने जा रहा हूं जिसके वाया आप ये सीख पाएंगे कि डेटा को निकालते कैसे। जो डेटा गया है ना वो बाइनरी फॉर्म में है, तो अगर कोई आपसे ये कहे हाउ यू रिट्रीव द इमेज फ्रॉम द ओरेकल डेटाबेस, तो बिलीव मी उसके लिए हमारे पास एक गेट बिलॉव नाम का मेथड होता है। व्हाट इज द मेथड का नाम, गेट बिलॉव, ये वाला जो मेथड है, राइट, गेट बिलॉव मेथड ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। गेट बिलॉव इज द मेथड का नाम ऑफ व्हाट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज्ड टू गेट द बाइनरी इंफॉर्मेशन। आप देखिए जैसे डालते तो सेट बाइनरी स्ट्रीम था, निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है बेटा, गेट बिलॉव। और ये किस तरह का डेटा निकाल रहा है बताइए, बिलॉव टाइप का डेटा ये फेच करा के हमें दे रहा है। तो गेट बिलॉव इज द मेथड का नाम, व्हाट काइंड ऑफ द डेटा, इट इज रिटर्निंग बिलॉव टाइप, राइट। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर भी एक डेमो आपको बना के दिखाऊं। आप बस इतना ध्यान रखना गेट बिलॉव जो मेथड है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बिलॉव। बिलॉव एक इंटरफेस है जेडीबीसी एपीआई के अंडर में। मैंने इसके जस्ट अपोजिट एक प्रोग्राम बनाया हुआ है विच इज नोन एज द रिट्रीव इमेज, सेम वही चीज है, java.sql java.io क्लास बन गई, दिस इज द मेन। अब हम तो ओरेकल का यूज कर रहे हैं ना, तो आपको इस वाली चीज को अनकमेंट करना पड़ेगा oracle.jdbc.driver को, और इस MySQL वाली कहानी को हमें कमेंट बनाना पड़ेगा। यहां पर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, आफ्टर दैट इन चीजों को आप कमेंट बना देना, राइट। यहां पर MySQL की चीजों को कमेंट बना दिया है और Oracle वाली चीजों को अनकमेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, देखिए अब एक ही रिकॉर्ड था तो वेयर क्लॉज नहीं लगाया यहां पर, मैंने कहा सेलेक्ट करो सारा डेटा कौन सी टेबल से, IMG टेबल से। वी आर हैविंग ओनली वन रिकॉर्ड ना, हमारे पास तो एक ही रिकॉर्ड था। तो अब हमने यहां पर एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड यूज किया। सेलेक्ट कमांड के केस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईएमजी टेबल, बिलीव मी इसके ऊपर हमने कौन सा मेथड लगाया, एग्जीक्यूट क्वेरी। वो डेटा हमारा किसमें आ गया, हुआ आरएस में। पहले रिकॉर्ड के पास आने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होगा, नेक्स्ट। ये कर्जर को एक स्टेप आगे भेजता है और वहां पर डेटा तो था ही था। दूसरे नंबर के कॉलम की बात करें तो पहले नंबर के कॉलम में तो नाम था, दूसरे कॉलम में हमारी क्या थी, इमेज थी। दूसरे वाले कॉलम में क्या थी, हमारी इमेज थी। सो
उस इमेज को हमने फेच कराकर कहां पर रख दिया, बी के अंदर। उस वाली इमेज को हमने कहां पर रख दिया, बी में। अब हमने एक खाली एरे बनाया, बाइट का एक एरे बना लिया, उसका साइज उतना ही रखा जितना साइज उस इमेज का था। उस इमेज का साइज कैसे निकाला हमने, लेंथ मेथड से। अब इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग में होता है, लेंथ मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो किस में होता है, लॉन्ग में। तो मैंने यहां पर इंट से उसकी क्या करा दी, कास्ट करा दी। तो इससे बाइट का एक एरे बन गया। अब आप देखिए, गेट बाइट्स, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एरे ऑफ बाइट्स। अब मैं इस डेटा को फेच कराने की कोशिश कर रहा हूं, गेट बाइट्स। देखो ये रहा मेथड, इस बी के ऊपर ही लगाया होगा हमने, बी लॉब वाला जो है, गेट बाइट्स वन। पोजीशन बता दी, वन का मतलब शुरुआत से, फर्स्ट बाइट्स। ये कह रहा है ना, देखो द ऑर्डिनल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द बी लॉब वैल्यू टू बी एक्सट्रैक्टेड, द फर्स्ट बाइट इज एट पोजीशन वन। दूसरा लेंथ, और उसका पूरा साइज, इस लेंथ का जो रिटर्न टाइप है विच इज लॉन्ग। तो इंटीजर से मैंने उसकी कास्ट करा दी, इंटीजर से मैंने उसकी क्या करा दी बेटा, कास्ट करा दी। सो बिल्कुल वन से, बिल्कुल बिगिनिंग से लेके जितनी इमेज का साइज है वो सारा निकलकर इस बाइट के एरे में। अब कुछ नहीं करना आपको, अब जो सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ, बाइट के एरे में। तो मैं जानबूझकर, क्योंकि वो करीना वाली जो इमेज थी वो ई ड्राइव में थी, अब मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूं डी ड्राइव में, और इसका नाम कुछ और रख लो आप। इसका नाम जैसे हमने कर दिया, मान के चलो कटरीना, कटरीना दिस वन। अब ये डी ड्राइव में जाकर फाइल बनेगी भाई, बिलीव मी, जब ये फाइल नहीं होगी तो फाइल ब्लैंक बन जाएगी, और उसमें सारा डेटा हमने जाके लिख दिया बी ए आर आर वाला। बिलीव मी, बी ए आर आर में उसका पूरा बाइट फॉर्म था इमेज का। यहां पर हमने इसे क्लोज किया, ओके का मैसेज प्रिंट कराया, और यहां पर आके हमने किसे क्लोज कर दिया, कनेक्शन। ये कोई भी समस्या आएगी विच इज हैंडल्ड बाय दिस कैच, इसको ब्लैंक छोड़ दिया हमने, चाहे तो इसमें एक कोई प्रिंट एलन करके एक मैसेज लिख सकते थे। मैं चाहूंगा कि आपको इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाऊं। रिट्रीव इमेज डॉट जावा, जावा सी, रिट्रीव इमेज डॉट जावा, जावा रिट्रीव इमेज। मैंने एंटर प्रेस किया, सी, जैसे यहां पे ओके आ गया ना, तो गारंटीड, गारंटीड इस डी ड्राइव के अंदर एक कटरीना नाम की इमेज बन गई। देखिए हम डी ड्राइव में आए, ओके प्रेस कर दीजिए, दिस वन, ये इमेज आ रही है। अब ये मत कहना सर ये कटरीना की इमेज कहाँ है, ये तो मैंने सिंपल आपको उस डेटाबेस में से आपको निकाल कर बताई है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो अभी के इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा, हाउ टू स्टोर द इमेज और हाउ टू रिपीट लाइक रिट्रीव इट। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टोर द टेक्स्ट फाइल इनटू द डेटाबेस एंड हाउ टू रिट्रीव इट।